हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू। द लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की अपडेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप भी जॉब ढूंढ रहे हैं? यदि आप भी जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ज्ञानोदय फॉर यू चैनल डेली बेसिस पे नई नई भर्ती एडमिट कार्ड की अपडेट देता है। तो आज भी आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानकारी देने वाले हैं कि कौन से डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई, कितनी पोस्ट के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी तो आपको आगे वीडियो में देने ही वाले हैं, लेकिन आपको बता दें, इस समय अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डिपार्टमेंट द्वारा आप सभी के लिए बहुत सी पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें आप सभी के लिए दो अलग अलग अंतरिक्ष केंद्रों द्वारा रिलीज की गई वैकेंसी की जानकारी ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन आज जो जानकारी देने वाले हैं ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा रिलीज किए गए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई। इससे पहले भी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा 60 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई थी। आज भी हाई स्कूल पास ITI कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते आपको बताते हैं कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी रिलीज की गई ये यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज की गई है। इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए है? टेक्नीशियन बी के लिए है, ड्राफ्ट मैन के लिए है, रेडियोग्राफर जैसे पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको जानकारी देने वाले हैं, और लास्ट में बताएंगे आप इसमें कैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई। एड्रेस ये तिरुवनंतपुरम द्वारा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया हुआ है VSSC 324 डेटेड 29 अप्रैल 2023। तो इसका नोटिफिकेशन 29 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया है, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आज से स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड्स, आज सेकंड में है, आज से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए है, यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए दिया है, पोस्ट का नेम दिया हुआ है और पोस्ट के नंबर दिया हुआ है, कौन से ट्रेड या सब्जेक्ट दिया हुआ है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास जो अनिवार्य योग्यता होने चाहिए ये देखिए, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के दिया है, कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड किया गया वैकेंसीज को, ये सारी जानकारी देखिए। जो फर्स्ट नंबर पोस्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे टेक्नीशियन बी के लिए दिया हुआ, इसमें सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी आपको, 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक की सैलरी मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए टेक्नीशियन बी के लिए जो दिया हुआ है, अलग अलग ट्रेड जैसे कि यदि आपके पास फिटर से आपके पास ITI कंप्लीट है तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें फिटर से आपके पास टोटल 17 पोस्ट दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। यहाँ देख सकते हैं जैसे कि अनरिजर्व के लिए 8 पोस्ट दिया हुआ है, OBC के लिए 3 पोस्ट है, SC के लिए 3 पोस्ट है, EWS के लिए भी 3 पोस्ट है, इस प्रकार टोटल 17 पोस्ट इसमें दिया हुआ, और एक सर्विस मैन के लिए भी 2 पोस्ट दिया हुआ है। और सेकंड देखिए दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए दिया है, 8 पोस्ट दिया हुआ है। इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, यहाँ देख सकते हैं सीनियर ये दिया हुआ है, सीनियर सेकेंडरी लेवल सर्टिफिकेट या SSC यानी कि स्कूल सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास फिटर ट्रेड से ITI या NTC NSC से होना चाहिए, यानी कि आपके पास ITI कंप्लीट होना चाहिए। और सेकंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से भी दिया हुआ 8 पोस्ट, इसके लिए भी आपके पास हाई स्कूल जरूरी है पास होना, और साथ ही साथ आपके जिस भी ट्रेड से आपके पास ITI कंप्लीट है उस ट्रेड से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हाई स्कूल के साथ साथ। जैसे कि सेकंड देखिए इलेक्ट्रीशियन से है तो आपका इलेक्ट्रीशियन से आपके पास ITI होना चाहिए, साथ ही साथ हाई स्कूल पास होना चाहिए, ये SSC या SSC या 10th क्लास पास होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दिया मशीनिस्ट के लिए दिया हुआ है, मशीनिस्ट के लिए 4 पोस्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 6 पोस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे MR एंड AC के लिए दिया हुआ है, इसके लिए भी 3 पोस्ट दिया हुआ है। इसमें भी वही आपके पास हाई स्कूल पास और ITI डिप्लोमा होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट पोस्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टर्नर के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पोस्ट दिया हुआ है, इसमें भी आपके पास टर्नर से होना चाहिए ITI और हाई स्कूल पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें सभी जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए, प्लम्बर से है तो प्लम्बर से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ITI डिप्लोमा होना चाहिए और हाई स्कूल पास होना चाहिए। और मैकेनिकल मोटर व्हीकल से भी दिया हुआ है, 1 पोस्ट दिया हुआ है, यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल या मैकेनिक डीजल से आपके पास 1 पोस्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए जो दिया ड्राफ्ट मैन बी के लिए दिया हुआ है, इसमें टोटल जो वैकेंसी है 5 पोस्ट है, वो भी कौन से जैसे ट्रेड देखिए, मैकेनिकल यानी यांत्रिक से आपके पास होना चाहिए ITI
और साथ ही साथ 10th पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट देखिए दिया हुआ रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर के लिए दिया हुआ है, इसमें रेडियोग्राफर से आपके पास है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए, रेडियोग्राफी से 1 पोस्ट इसे इतना दिया है। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई फ्रेंड्स 49 पोस्ट यानी कि लगभग 50 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पे देखिए 50 पोस्ट आपको क्यों बोला गया है, यहाँ जो सभी के लिए दिया है वो 49 पोस्ट 49 पोस्ट है, और यहाँ पे एक सर्विस मैन के लिए भी वैकेंसी रिलीज की गई है, जैसे कि एक सर्विस मैन के लिए ये देखिए 4 पोस्ट ये दिया हुआ है, और वहीं पे देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी 1 पोस्ट दिया है। तो टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है 50 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और देखिए इसमें अलग अलग जो आपके पास है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी, रेडियोग्राफर के लिए 25,000 से 500 से लेकर 81,000 सैलरी है, ड्राफ्ट मैन के लिए देख सकते हैं यहाँ दिया है 21,700 से लेकर 69,900 तक की 69,100 रुपए तक की सैलरी दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी जानकारी दिया गया फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट विल बी होस्टेड VSSC, VSSC क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा, www.svssc.gov.in। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो टू डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट, नो पे लेवल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट, रिजर्वेशन फॉर द नो पोस्ट, ये दिया नंबर ऑफ पोस्ट, ईच ट्रेड, नेचर ऑफ जॉब, तो इसमें ये जानकारी दिया गया। और दिया हुआ फ्रेंड एप्लीकेशन फॉर अबव पोस्ट विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन, इसमें ऑनलाइन ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा। और फ्रेंड्स आप सभी के लिए सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा हमने शुरू में बताया कि 2 मई से यानी कि 2 मई से स्टार्ट होगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स 2 दिन बाद इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए VSSC की ऑफिशियल वेबसाइट एक्टिव हो जाएगी, यहाँ 4 मई से यानी कि 4 मई आपको जानकारी दें तो आज 2 है, कल 3 और इसके नेक्स्ट डे जो है 4 मई यानी कि 4 मई से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ 18 मई 2023, यहाँ ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया हुआ जो हाईलाइट दिया हुआ है फ्रेंड्स दिनांक दिया हुआ है ये 4 मई 2023 से लेकर 18 मई 2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे और हिंदी में भी दिया है यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जानकारी दी गई है। तो ये था फ्रेंड्स एक टॉप वैकेंसी, और देखिए जो इसके पहले वैकेंसी रिलीज की उसकी जानकारी दे देते हैं फ्रेंड्स, जो एक नेक्स्ट पोस्ट है ये इसरो यानी कि इसरो द्वारा ही रिलीज की गई है, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरियन असिस्टेंट के लिए वैकेंसी रिलीज की, उसके लिए भी 63 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। आपको जानकारी दें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ जाएं करियर सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, क्लिक करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कौन से है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो अभी जानकारी दी है इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है वैकेंसी के लिए 324 डेटेड 29 अप्रैल 2023 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, टेक्नीशियन के लिए है, तो यहाँ ये देख सकते टेक्नीशियन भी, ड्राफ्टमैन भी एंड रेडियोग्राफर भी के लिए है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। और देखिए एक वैकेंसी जो पहले ही रिलीज की गई विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा ये दिया हुआ है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर VSSC 324 यानी 32D डेट, ये दोनों के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 29 अप्रैल को ही, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे ये देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए दिया हुआ कौन से पोस्ट के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 2 मई 2023 से, तो इसके लिए जो डेट थी वो हम उसमें बता दिए थे, इसलिए यहाँ पे ये वैकेंसी है। और यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें दिया हुआ अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दिया हुआ, सैलरी इसमें जो है 44,900 से लेकर 1,42,000 तक की है, इसमें भी आप सभी के लिए जो होना चाहिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिकी से दिया हुआ है, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे पॉलिटेक्निक है ये दिया हुआ है ये, और इसमें भी मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा, और दिया है पोस्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं 24 पोस्ट दिया हुआ है इसमें, ये इलेक्ट्रॉनिकी से दिया है, मैकेनिकल से दिया हुआ 20 पोस्ट दिया हुआ, कंप्यूटर साइंस से 6 पोस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के बाद केमिकल से 5 पोस्ट दिया हुआ है, और यहाँ सिविल से भी दिया हुआ है 3 पोस्ट दिया हुआ है,
और यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है। एसी एंड रेफ्रिजरेट मैकेनिक के लिए 1 पोस्ट दिया हुआ, ऑटोमोबाइल्स 1 पोस्ट दिया हुआ। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है फ्रेंड्स, इसमें 63 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई इसमें, और यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी 1 पोस्ट दिया हुआ है, और इसमें भी सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,000 तक की है। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप सभी, यहाँ पर भी लगभग 60 प्लस पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें एक्सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की नहीं ऐड किया गया है इसमें, ओनली ये जो टोटल ओपन वैकेंसी उसकी जानकारी दिए थे। तो ये थी फ्रेंड्स टॉप 2 वैकेंसी इसरो द्वारा रिलीज की गई। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। और देखिए फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, यदि आपको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो उसके लिए आपको बता दें फ्रेंड्स, जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना, अगर इसरो के विजिट करना है तो इसमें आपको करना है ISRO, ये देखिए फ्रेंड isro.gov.in करेंगे तो यहाँ पे जैसे करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अगर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो उसके लिए भी आपको एक गूगल पे नए पेज पे जाना है, यानी कि सर्च करना है आपको vssc.gov.in, जैसे कि आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये दिया हुआ है, ये फ्रेंड्स vssc.gov.in करेंगे तो ये देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये देखिए स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है इसरो के लिए दिया हुआ, स्पेस विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के लिए है यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हुई, आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ज्ञानोदय फॉर यू चैनल को, और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और इसी प्रकार आपको नई नई स्टेट और सेंट्रल लेवल की वैकेंसी की अपडेट देते रहें। तो चलिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।